Hi guys and welcome back to my channel. So guys, आज के जो video है, that is absolutely purest Pinterest inspired products from Amazon. So guys, बहुत ही अच्छी और cutest products लेके आई हूँ मैं Amazon से, जो कि आपको बहुत-बहुत पसंद आने वाले हैं, definitely. So without much ado, let's get started. So guys, चलिए start करते हैं and open करते हैं अपना ये first package. जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही स्पेशली पिन से ढूंढ ढूंढ के ये वाले प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सर्च किए थे तो so यस yes, ये है हमारा सेरेमिक वेस। सो या ये एक सेरेमिक वेस है एंड ये इन्होंने सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये इन्होंने साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ये आर्टिफिशियल uh, फ्लावर्स का बंच है जो कि उतना ही ज़्यादा एस्थेटिक एंड प्रिटी लग रहा है जितना कि ये वेज़ है तो यस बहुत ही प्यारा सा एक ऐसे कॉम्बो बना के भेजा आई वॉज हैविंग नो आइडिया कि ये साथ में ये भी भेजेंगे तो ये सबसे ज्यादा जो प्रति मुझे इसको ये लगा ये एक हैंड बैग की शेप में इन्होंने ये सिरेमिक वे बनाया है और साथ ही साथ ये बीच में आप होल देख रहे हैं ना तो इससे क्या है आप आराम से इसको एज अ प्लांटर भी यूज कर सकते हो लाइव प्लांट्स को लगाने के लिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है ये पूरी डिटेलिंग इन्होंने बिल्कुल जैसे एक हैंड बैग होता है ना कैरी बैग होता है बिल्कुल वैसे दिया हुआ है ऐसे हैंडल्स दिए हैं साथ में तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रटी लगा एंड ये पूरा इसके साथ में जो ये जो इन्होंने फ्लावर का बंच दिया है वो एक एडेड सा एक प्रटी लुक दे रहा है सो डेफिनेटली आ मस्ट बाय पीस है एंड एज आई ऑलवेज से सबके एग्जैक्ट प्राइसेस स्क्रीन पर आ रहे हैं एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं सो so ये आ गया है हमारा सेकेंड पैकेज गाइज लेट्स ओपन दिस ऑल्सो एंड येस तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने सब कुछ पिंट्रस्ट से ढूंढा है तो ये उसी के इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और ये हैं लवली से कोस्टर्स तो मैं आपको बता दूं कि ये भी सिरेमिक के ही हैं तो ये कोस्टर्स मुझे सेट ऑफ टू मिला है और जो इसमें अच्छी और परफेक्ट बात है वो है इसकी पूरी फिनिश तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो फिनिश है वो अपने आप में बहुत ही फाइन है प्लस जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हैं पेस्टल्स हैं तो थोड़ा आप पास से भी देख सकते हो तो कितनी ज़्यादा यू नो फाइन क्लियर कट फिनिश है लवली पीस तो अभी टाइम है हमारे थर्ड पार्सल खोलने का तो यस ये भी एक बहुत आपको पसंद आने वाली चीज़ है जो मैंने मतलब इट्स अ गर्ली थिंग तो यस ये एक प्यारा सा क्यूट सा क्लच है तो ये एक वो शेप में इन्होंने बनाया है और मुझे पर्सनली बहुत बहुत प्यारा लगा और मैंने पे क्योंकि पे ही देखा था तो मैं ऐसा कुछ सर्च कर रही थी एंड लकीली आई गॉट दिस ऑन एमेज़ोन और बहुत ही प्यारी फिनिश लगी मुझे एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मेरे को मिल गया सो so, वो अभी देखते हैं ये कौन सा प्रोडक्ट है तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये देखा होगा बट क्योंकि मुझे चाहिए था पर्सनली मेरे पास ऐसा एक ग्लास टम्बलर नहीं था तो आई ऑर्डरड इट एंड ये भी मैंने ये जो स्टाइल है पूरा ही मैंने पेंटरेस्ट से ही देखा था तो ये इसकी इन्होंने वुडन लिड दी है एंड सबसे पहले तो मुझे पैकेजिंग इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एकदम से बिल्कुल प्रोटेक्टेड सी एंड ये एक ग्लास का इन्होंने स्ट्रॉ भी दिया है साथ में एंड अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि जो हमारा ग्लास है वो कैसा है मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा एंड सो यस ये है हमारा ग्लास सो so जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था पैकेजिंग बहुत बढ़िया है ग्लास की जो फिनिश है बहुत ज़्यादा फाइन है आप खुद देख सकते हो तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लिड लगा दी है और अभी मैं इसको साथ में जो इन्होंने ग्लास वाली जो स्ट्रॉ दी है वो मैंने इसको ऐसे लगा दिया है एंड रेडी हमारा ये क्यूट सा ग्लास टम्बलर जो कि बहुत ही लवली है बहुत स्टाइलिश है एंड अपने आप में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक है इसका सो यस आई एम सुपर हैप्पी विद द क्वालिटी डेफिनेटली अ मस्ट बाय थिंग सो ये समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड मुझे पर्सनली एकदम देखते ही जैसे मैंने देखा कि अमेजोन पे है तो आई वॉज लाइक कि मुझे ये लेना ही लेना है गाइस सो so भी मैं दिखाती हूं आपको ये है क्या सो so ये है गाइस हमारा लवली सा रेट्रो रेडियो डिवाइस जैसा दिखने वाला एक प्यारा सा नैपकिन होल्डर सो so यस yes, ये एक नैपकिन होल्डर है जो कि दिखने में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है बिल्कुल वो आपको याद आ गया होगा ना जो हम पहले रेडियो देखा करते थे Uh, अपने पेरेंट्स के पास में उस टाइप का ये कुछ रेडियो है नाइन्टीस किड्स को पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ सो येस अभी ये इन्होंने ये पूरा एरिया दिया हुआ है जिसके अंदर हम अपने नैपकिनस को डाल सकते हैं और साथ ही में इन्होंने दिए हैं नीचे जो छोटे छोटे इसके लेग्स हैं उसमें लगाने के लिए ये लेग शूज़ भी इन्होंने साथ में दिए हुए हैं सो so, वो भी मैंने अच्छे से इसको ऐसे फिट आप इसमें कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ और अपने आप में जो आप इसकी फिनिश देखोगे वो बहुत ज़्यादा फाइन है मतलब देख के एकदम से कोई देखेगा ना तो उसको लगेगा ही नहीं कि ये आ, पता नहीं रेडियो रखा है या ये नैपकिन होल्डर है अंटिल आप इसमें नैपकिनस को लगाओगे नहीं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम इसमें नैपकिनस को ऐसे लगाएंगे सो अंदर डीप डाउन इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस है तो नैपकिनस को लगाने में आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो जितना आप नीचे इसको डालना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं एंड लाइक दिस ये ऐसा लगेगा कुछ नैपकिनस को होल्ड करने के बाद में तो so, है ना क्यूट सो so, ये है आज का हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा पेंट्रस्ट ही है तो ये मैंने देखा था एक एयरपॉड केस बोल सकते हो आप इसको होल्डर बोल सकते हो जिसमें आप अपने यू नो एयरपॉड्स डाल सकते हो और बहुत ही क्यूट लगा एकदम सा था ट्रांसपेरेंट है और साथ में वो छोटा सा सॉकेट भी इन्होंने स्पेस दी हुई जहाँ से आपका जो एयर पॉड है वो चार्ज हो सकता है एंड ये जो पूरा बो फिनिश है ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रति है आज का वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा लगा होगा एंड अगर है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी अच्छी, अच्छी, अच्छी अमेजिंग सी हॉल्स का हिस्सा बनते रहिए एंड आई विल बी बैक सुपर विद अनदर लवली लवली वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टिल